हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में मैं काफी किलर फोन के बारे में बात करने जा रहा हूं। दोस्तों ये फोन बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है और ये फोन वन प्लस की साइड से आता है। ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हो चुकी है और इस फोन का जो सबसे अच्छा बात जो लग रही है वो है इसकी डिजाइन और इसके कैमराज। हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वन प्लस नॉट 3 के बारे में। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे इस वन प्लस नॉट 3 के बारे में, क्या प्राइस रेंज, स्पेसिफिकेशन, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। वीडियो को दोस्तों पूरा कंप्लीट एंड तक देखना। तो चलिए दोस्तों, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनव सक्सेना एंड आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल ऑल इन वन अभिनव। तो दोस्तों अगर बात करी जाए इस वन प्लस नॉट 3 के बारे में तो बहुत ज्यादा रूमर्स आ रहे हैं दोस्तों। कभी इसमें पता लगता है 4K वीडियो रिकॉर्डिंग है, इसकी प्राइस रेंज का भी ये भी लीक आया है बहुत ही ज्यादा, कब लॉन्च होगा ये भी लीक आया है। तो कंप्लीट डिटेल में आप देखें इस वीडियो को। तो सबसे पहले अगर बात करें इसके अंदर आने वाले की परफॉर्मेंस के बारे में तो इस फोन के अंदर आपको एंड्रॉइड 12 देखने को मिल जाएगा। वहीं प्रोसेसर के बारे में अगर बात की जाए तो MediaTek का Dimensity 8100 प्रोसेसर दिखेगा जो कि एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और 2.85 GHz की क्लॉक स्पीड के साथ में आता है दोस्तों। यही नहीं, मिनिमम 8GB रैम वेरिएंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, उसके बाद 12GB रैम वाला वेरिएंट आपको यहाँ पे एक और देखने को मिलेगा। वहीं डिस्प्ले के बारे में बात की जाए तो 6.7 इंच की फुल AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी जो कि 1080x2400 पिक्सल के साथ में आएगी। 120Hz रिफ्रेश रेट वाली स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। गोरिल्ला ग्लास 5 कोर प्रोटेक्शन आपको यहाँ पे शायद हो सकता है देखने को ना मिले। ये डिस्प्ले जो है काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि यार 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ में MediaTek Dimensity 8100 आ रहा है, तो आपका जो गेमिंग एक्सपीरियंस होने वाला है दोस्तों इस फोन के अंदर बहुत ही ज्यादा अच्छा होने वाला है। वहीं कैमरा के बारे में बात की जाए तो बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा जिसमें जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 MP का वाइड एंगल होगा। हाँ दोस्तों, ये सबसे अच्छी बात बताई जा रही है कि प्राइमरी कैमरा ही आपको वाइड एंगल देखने को मिल जाएगा 50 MP का। उसके बाद सेकेंडरी कैमरा जो होगा वो 8 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल होगा, 2 MP का मैक्रो LED फ्लैश आपको बैक साइड पे देखने को मिल जाएगा। वहीं फ्रंट में आपको 16 MP का वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलेगा। और यही अच्छी बात नहीं है, ये सबसे बढ़िया बात तो ये है कि दोनों ही साइड से आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर पाएंगे। अभी तक रूमर्स यही आ रहे हैं कि दोनों ही साइड से आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। वहीं बैटरी के बारे में बात की जाए तो 5000mAh की बैटरी देखने को मिलेगी जो कि 150W फास्ट चार्जर के साथ में आएगी। दोस्तों ये काफी अच्छी बात है यार, 150W फास्ट चार्जर आपको देखने को मिल रहा है तो आपकी जो चार्जिंग स्पीड है वो अराउंड 45 मिनट्स में आपका फोन 100% तक चार्ज हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोगों को पता ही होगा यार, वन प्लस की नॉर्ड सीरीज के जितने भी पहले फोन है वो काफी ज्यादा अच्छे सक्सेसफुल रहे हैं। वन प्लस नॉर्ड जो फर्स्ट फोन आया था उसके बाद तो आपने काफी सारे फोन देख लिए होंगे, नॉर्ड 2 आया, CE 2 आया, फिर 2 आया, फिर 2T भी आ गया। अब जो सबसे ज्यादा वेट है वो है नॉट 3 का है। तो दोस्तों ये वेट भी आपका बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा क्योंकि अक्टूबर में दिवाली के आसपास ये फोन आपको लॉन्च होता हुआ दिख जाएगा। वहीं अगर प्राइस रेंज के बारे में बात की जाए तो इसकी जो प्राइस रेंज रहने वाली है वो टिपिकल नॉट सीरीज वाली रहने वाली है, यानी 25 से 30 हज़ार रुपए के आसपास में आपको ये फोन देखने को मिल जाएगा और हो सकता है लो वेरिएंट आपको अंडर 25,000 में देखने को मिल जाए बैंक ऑफर्स के साथ में। तो दोस्तों यही सारी बातें थी इस कंप्लीट डिटेल में इस वन प्लस नॉट 3 के बारे में। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। So this is all from my side. Thank you so much guys for watching my video.